हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ की जो फ्रिक्वेंसी है वो चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। मैं सिंगल डेक से ही एक रीडिंग करती हूँ कि उनकी करंट फीलिंग। अच्छा, पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप किस हाल में है। इससे आप ना इस रीडिंग से और ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाइएगा। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। और फिर लास्ट में देखेंगे कि ये जो पूरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कैसे चलना चाहिए। ओके, रीडिंग क्या होने वाली है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी। अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस रीडिंग में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो खुद को थोड़ा काम कीजिए और इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। अच्छा, मेरी सारी जो वीडियो होती है, रील्स हो, वीडियो हो, शॉर्ट्स हो, सारी टाइमलेस होती है। अगर जब भी ये रीडिंग आपको पहुँचती है उस टाइम की आपकी एनर्जी के साथ ये रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एंड द लास्ट शफल, मैं लूंगी 6 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, बहुत प्यारी एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साइन बता देती हूँ। देखिए, जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी साइन आ जाती है, राशियाँ भी इंक्लूड हो जाती है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो है अर्थ साइन एंड एयर साइन। बाकी दोनों ही साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी एंड सारी की सारी राशियों के लोगों की एनर्जी पिक हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के ना बहुत ज़्यादा एंग्जस हो। आपके रिलेशन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें ना बहुत गंदी हो चुकी है, ऑलरेडी चीज़ें गंदी हो चुकी है। आपको होप है कि आगे चलकर चीज़ें सही हो जाएगी, बट हो नहीं रही है। आप बहुत बैलेंस करके चलते हो, चलने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन चीज़ों को ना आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करना कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि पुरानी बातों को छोड़ करके एक फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन के साथ करना, हर चीज़ में बैलेंस बना के चलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी मुझे थोड़ा सा ना इम्पेशेंट वाली दिख रही है। आप इम्पेशेंट हो रहे हो, चाहे हो सकता है कि आप बहुत सालों से इनके लिए वेट कर रहे हो। मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4-5 ईयर्स वाले रिलेशनशिप वाले भी मेरे जो मतलब जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये 4-5 ईयर्स की रिलेशन है वो व्यूअर्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बहुत सालों से आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ना अभी होप खो रहे हो। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें सुधर जाएगी और एक फ्रेश स्टार्ट आप करेंगे। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, नोइंगली हो, अननोइंगली हो, गॉड के सामने प्रे के थ्रू हो, यूनिवर्स में मैसेज सेंड के थ्रू हो, जैसे भी हो, आप चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए और आपका रिलेशन एक नई तरीके से फ्रेश लीड स्टार्ट हो। पुरानी बातों को भूलने के लिए भी आप तैयार हो और चीज़ों को ना बहुत जल्दी जल्दी में आप चाहते हो कि शॉर्ट आउट हो जाए। तो ये जब नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इम्पेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। एक मिक्स्ड सा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। आप सैड भी हो,
आप बैलेंस भी होना चाहते हो अपनी लाइफ में भी, आप बैलेंस चाहते हो आपकी जो मेंटल कंडीशन है और रियलिटी है दोनों में ही आप बैलेंस भी चाहते हो। एक पास्ट को भूल जाना, क्योंकि बिटर पास्ट है तो उस चीज़ को भूल जाना, न्यू स्टार्ट करना, अपनी लाइफ में भी न्यू स्टार्ट करना, सब कुछ मिला करके ना एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता चला है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो। ठीक है, और आपको ये भी बहुत तंग कर रहा है कि आपका जो भी डिसीशन है, आपके जो भी लाइफ का जो भी निर्णय होगा वो किसी और के हाथ में है, आपकी पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ भी आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ओके, तो ये था आपकी एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, आपको लेकर के, अपनी पूरी लाइफ को लेकर के ये सब कुछ देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में मिनिमम 3 times ले लेना है। आप चाहे तो जोर जोर से भी ले सकते हैं अपने पर्सन का नाम, और उनकी फोटो देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, इससे एनर्जी अच्छी तरह से कनेक्ट होगी। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं आपकी मैसेजेस मेरे व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। तीन कार्ड्स आ गए थे तो मैं वो नहीं ले रही हूं, मुझे सिंगल सिंगल कार्ड ही चाहिए। एंड द लास्ट शफल, इसमें भी मैं 6 cards से लूंगी आपके पर्सन की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 7 of cups। तो आपके पर्सन की एनर्जी में आया है टावर, टेम्परेंस। देखिए आपकी भी एनर्जी में आई थी टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी, एंड आपके पर्सन की तरफ भी यही आया है मेजर अर्काना, तीनों के तीनों मेजर अर्काना। फूल आपकी भी एनर्जी थी एंड आपके पर्सन की भी एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स एंड 2 of cups। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में ना, आप दोनों में मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, या तो टावर मोमेंट आ चुका है या रिसेंटली आपने टावर मोमेंट झेला है, ऐसी एक सिचुएशन है। इस जगह से ये भी चाहते हैं कि इस रिलेशन में एक बैलेंस क्रिएट करें। अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो उस जगह से ना ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, पुरानी बातों को छोड़ करके वो नए सिरे से इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। आप में नज़रिए बहुत गहराए रखे हैं, शायद आपको सामने से ना बताएं कि हाँ ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या कुछ, सोशल मीडिया पे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एंड हाँ, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो सोशली सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जिनके लिए शादी पॉसिबल नहीं है, अगर आप लोग दोनों जगह पे मैरिड है, बच्चे हैं, तो उस जगह पे एक रिकॉन्सिलेशन, एक रियूनियन, हारमोनियस रियूनियन वो चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थोड़ा वक्त लगेगा इनको आप तक पहुंचने में, लेकिन ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डिवाइन की मैसेज भी आ रही है कि आपके साथ वो रियूनियन कर ले। ये पर्सन, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई या दोनों ही शिव भक्त भी हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में बहुत कोई शिव भक्त भी है, आप लोगों के साथ, उनके साथ आपकी एक रियूनियन की एनर्जी उनमें बढ़ रही है, और इस चीज़ के लिए वो एक्शन भी लेंगे और चाहते हैं कि रिलेशन में जब अगर आप लोगों में एक रिकॉन्सिलेशन हो जाए तो चीज़ें फिर ना बिगड़े, चीज़ें बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो ये है उनकी करेंट एनर्जी। टावर मोमेंट से वो बहुत दुखी भी है, एंड एनर्जी तो यही है, फीलिंग से ही है, बट क्या वो एक्शन लेंगे, तो ये देख लेंगे हम लोग 4 cards से कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एंड द लास्ट शफल, मैं लूंगी 4 cards। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि 2 of cups आएगा। चलिए, 2 of cups, 10 of swords, emperor एंड k
किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन में जीती बहुत है आपके पर्सन, जो भी है मेल है अगर फीमेल है जो भी है बहुत जीती है। सॉरी, ये आपके साथ रियूनियन के लिए एक्शन डेफिनेटली लेंगे। ये सारा जो सिचुएशन है ना, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, इनकी फैमिली की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं, आपको नहीं मना पा रहे हैं। इस सिचुएशन में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत पेन में है ये पर्सन, बहुत ही पेन में। इनको ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, बैक पेन, बीपी की प्रॉब्लम, इस टाइप की एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, हल्का फुल्का, मेजर नहीं, आप लोग डरिएगा नहीं। इनके फादर के साथ भी इनकी कुछ इश्यू हो सकती है, जो दिखाई दे रहा है कि इनके फादर शायद इन्वॉल्व है, वो नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी एक चीज़ है। और कुछ सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्ट है, इस वजह से ना वो चीज़ों को थोड़ा सा डिले भी कर रहे हैं कि मैं क्यों बढ़ूँ वो बढ़े, ईगो में आकर के थोड़ी अपने एक्शन को रोक रहे हैं। बट हाँ, ये एक्शन लेंगे। एक्शन की अगर बात करूँ तो आप लोग 10 डेज से लेकर के 15 डेज के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से देख पाइएगा। अगर आप लोगों का सेपरेशन बहुत दिनों का है, बहुत मंथ का है, तो मैं नहीं बोल सकती कि इतनी जल्दी आप वो आपके पास आकर के एकदम मैरिज का ऑफर दे देंगे। हो सकता है ब्लॉक है तो अनब्लॉक करें, कुछ जेस्चर आपको उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। यही एक एक्शन डेफिनेटली आपको दिखेगी 10 से 15 डेज के अंदर। तो अब हम लोग देख लेंगे कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है आपको इस सिचुएशन में, आपको कैसे रहना है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। मैं 2 कार्ड्स लूंगी डिवाइन के मैसेज के लिए, आपके लिए मैं 2 कार्ड्स लूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए 2 मैसेज दीजिए कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, आपको जो बोला जा रहा है, आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आप अपने जॉब के लिए या बिजनेस के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम है, आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, आप उस चीज़ में अपनी एफर्ट्स लगाइए, डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगी। और आपके लिए डिवाइन ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आप कैरियर में स्टेबल होंगे, तो उस चीज़ को अवेल कीजिए, कैरियर पे ध्यान दीजिए। लव तो है, वो डिवाइन की अगर ब्लेसिंग है वो आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी। तो प्रे कीजिए, रिकॉन्सिलेशन क्लेम कीजिए, लेकिन अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। देखिए, एक चीज़ है, लव लव करके आप पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हैं। अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ आपके हाथ में ही है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, किसी को बांध के आप नहीं रख सकते ज़बरदस्ती। तो कैरियर में इतना ग्रोथ कीजिए, इतना अपनी, अगर आप बाहर कुछ नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो अपनी जो एक कुछ ना कुछ आपको भगवान गुण दे करके ही भेजे हैं इस दुनिया में, तो अपने अंदर की उस कला को जगाइए ना, अपने अंदर की वो चीज़ को, उस प्रतिभा को निखारिए, आपको खुद में एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। ओके, तो बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को, होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। अगर रीडिंग से खुद को रिजोनेट कर पाए हैं, रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ, एंड प्लीज़ अपने इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू रीडिंग में, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।